हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम मैग्नेटिज्म में पढ़ने वाले हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड एट नॉन एक्सियल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट। लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी एट एक्सियल पोजिशन ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। तो अब हम डेरिवेशन करने वाले हैं किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड एट नॉन एक्सियल पोजिशन ऑफ बार मैग्नेट। तो हेडिंग लिख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट नॉन एक्सियल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट की नॉन एक्सियल पोजीशन पे आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अजम्पशन जो भी अपन डेरिवेशन करते हैं तो पूरा अजम्पशन आपको लिखना चाहिए। तो लेट बार मैग्नेट NS of length 2L and pole strength small m is of small m a point P is taken at r distance away from center of bar magnet on perpendicular bisector where magnetic field is to be determined, determine this position is known as non-axial position, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि बार मैग्नेट की नॉन एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करनी है। तो हम क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है। एन एस, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इसकी जो इफेक्टिव लेंथ हो गई वो 2L हो गई, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर अपन ले लेंगे, तो ये सेंटर हो गया O। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये L हो जाएगी, ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, ठीक है। इस पे परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, R, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इससे R डिस्टेंस पे, सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P ले लिया। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। यहां पर आपको क्या निकालनी, मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ पोल भी कहा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये आएगी ये B1, साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये आएगी आपकी B2, ठीक है। परपेंडिकुलर सेम है, लेंथ सेम है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम। इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तो ये आपका थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। B1 को रिजोल्व करेंगे, B1 cos थीटा, इधर B1 sin थीटा। सिमिलरली यहां पर एक और आएगा B2 cos थीटा, ये B2 साइन थीटा। तो एक एक करके हम डेरिवेशन में आ जाते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल के कारण पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, B1 बराबर μ0 अपॉन 4π स्मॉल m अपॉन np का स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड एट p ड्यू टू साउथ पोल। तो साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड के साउथ पोल के कारण
पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, बी टू हो जाएगी। बी टू बराबर तो अच्छा ये एन बी का स्क्वायर हो जाएगा, बी टू बराबर म्यू जीरो अपॉन फोर पर स्मॉल एन अपॉन एस पी का स्क्वायर। ठीक है, अब वेयर एस पी इज इक्वल टू एन पी बराबर एक्स। ठीक है, ये दोनों को डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, हाइपोटेनियस होगा तो बराबर हो जाएंगे, और इनको अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो जब यहां पर एक्स स्क्वायर यहां पर भी एक्स स्क्वायर, सो बी वन इज इक्वल टू बी टू बराबर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका बी वन और बी टू हो जाएगा। ठीक है, नाउ नाउ रिजॉल्व बी वन एंड बी टू इंटू बी वन कॉस थीटा कॉमा बी वन साइन थीटा एंड बी टू कॉस थीटा कॉमा बी टू साइन थीटा। ठीक है, शुरुआत से समझो क्या किया था हमने, आपका बार मैग्नेट ले लिया एनएस, इसमें दो पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसकी जो लेंथ है वो 2L, इफेक्टिव लेंथ कितनी है 2L, सेंटर से ये लेंथ L हो जाएगी, ये लेंथ L हो जाएगी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया, इस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल पोजीशन। अब नॉन एक्सियल पोजीशन पर हम नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो बी वन आती है, तो बी वन बराबर क्या हो जाएगी, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई एम एन पी का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा साउथ पोल के कारण निकालेंगे तो वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस पी का स्क्वायर। अब ये दोनों हाइपोटेनियस है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस सेम है, तो हाइपोटेनियस भी क्या हो जाएगा सेम, तो एन पी और एस पी बराबर हो जाएंगे एक्स के, तो बी वन और बी टू भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और ये उनका मैग्नीट्यूड। बी वन क्या हो जाएगी, नॉर्थ पोल का है तो इधर की तरफ, बी टू साउथ पोल का है तो इधर की तरफ, B1 को भी रिजोल्व कर दो, B2 को भी रिजोल्व कर दो, तो B1 को रिजोल्व किया तो B1 cos theta, B1 sin theta, B2 को रिजोल्व किया तो B2 cos theta, B2 sin theta। अब इसमें ये जो कंपोनेंट है B1 sin theta, B2 sin theta, इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है और ये बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इधर लिख देते हैं, द कंपोनेंट बी वन साइन थीटा एंड बी टू साइन थीटा हैव अपोजिट डायरेक्शन हैंस दे कैंसिल ईच अदर। ठीक है, तो आपका बी वन साइन थीटा और बी टू साइन थीटा की डायरेक्शन क्या है, से अपोजिट है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। बट द कंपोनेंट बी वन कॉस थीटा एंड बी टू कॉस थीटा हैव same direction, hence they added together। ठीक है, उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए एड हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट हो जाएगी बी बराबर बी वन कॉस थीटा प्लस बी टू कॉस थीटा। अच्छा, B1 और B2 बराबर है तो B बराबर ट्वाइस ऑफ B1 cos theta हो जाएगा। ठीक है, यहां पर B1 की वैल्यू रख दो तो B बराबर ट्वाइस ऑफ म्यू जीरो अपॉन फोर पाई एम अपॉन एक्स स्क्वायर cos theta। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, इन ट्राइंगल ले लो कौन सा, एन ओ पी, इन ट्राइंगल एन ओ पी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा आपका एन ओ अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा एन पी। ठीक है,
तो cos थीटा बराबर हो जाएगा क्या, L अपॉन एक्स, ठीक है, ये वैल्यू यहां पर रख दो तो B बराबर क्या हो जाएगा, 2 μ0 अपॉन 4 π m अपॉन एक्स स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, L अपॉन एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो B बराबर μ0 m इंटू 2L अपॉन 4 π x³, m इंटू 2L क्या हो जाएगा, कैपिटल M, तो B बराबर μ0 कैपिटल M अपॉन 4 π x³, ठीक है। अब इन ए ट्राइंगल ए सॉरी एन ओ पी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, एनओपी में पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा, एनपी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस एनओ का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एक्स बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, ये वैल्यू यहां पर रख दो तो बी बराबर क्या हो जाएगा, μ0 कैपिटल एम, ठीक है, यहां पर मैं लिखना भूल गया, चलो लिख देता हूं यहीं पर, कहीं पर जगह नहीं है, वेयर कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू 2L, ये लिख लेना, ठीक है, तो कैपिटल एम यहां पर आ गया अपॉन 4 π x की जगह पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, उसकी भी पावर क्या हो जाएगी, 3, तो पावर क्या हो जाएगा, 3/2, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। इफ एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, देन एल स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, μ0 कैपिटल एम अपॉन 4 π आर स्क्वायर की पावर 3/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो दो जो फाइनलाइज फॉर्मूला आएगा वो आपका आएगा, फाइनलाइज फॉर्मूला आपका आएगा बी बराबर μ0 कैपिटल एम अपॉन 4 π r³, ठीक है, तो नॉन एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड वो जो होगी वो आर क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी आर बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर अपन ग्राफ बनाते हैं बी वर्सेस आर में, तो ये इस तरह से आएगा, आर बढ़ाने पर कम हो जाएगा। दूसरा ये देखो, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से होती है, साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो आपका जो नॉन एक्सियल पोजीशन होता है, नॉन एक्सियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, अपोजिट टू द मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा, इनको ब्रॉड ऑन पोजीशन या आपका गॉस बी या टैन ए पोजीशन भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, डायरेक्शन की, तो स्टार्ट करके लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट नॉन एक्सियल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कहां पर, नॉन एक्सियल पोजीशन पे, वो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हो गया, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी एट एक्सियल पोजीशन, तो आप स्टार करके लिखेंगे, स्टार करके लिखेंगे बी एक्सियल बराबर ट्वाइस ऑफ बी नॉन एक्सियल, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, बी
सेक्टर HCL बराबर माइनस ऑफ 2B नॉन एक्सियल। माइनस साइन क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होती है, जबकि नॉन एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट के अपोजिट होती है। इनका अगर रेशियो पूछा जाता है तो बी एक्सियल अपॉन बी नॉन एक्सियल बराबर 2:1 और बी नॉन एक्सियल अपॉन बी एक्सियल बराबर 1:2। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है एट एक्सियल एंड नॉन एक्सियल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, अब यहां से एक फॉर्मूला आ जाता है, जनरल फॉर्मूला आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड एट जनरल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया था वैसे ही कर लेते हैं, लेकिन अपन डेरिवेशन यहां पर नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता देता हूं। बहुत कम डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन तो नहीं पूछा जाता, बस फॉर्मूले का जब कभी यूज पूछ लिया जाता है। तो स्टार करके आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो। बात कर रहे हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड एट जनरल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, क्या हो जाएगी? बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई कैपिटल एम अपॉन आर क्यू रूट में 3 cos² θ + 1। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड एट जनरल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये आपके डेरिवेशन है, दोनों इंपोर्टेंट है। जैसे डेरिवेशन अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए किया है, ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड के लिए करना रहता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है? टॉर्क लगता है, नेट फोर्स कैंसिल हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क एंड फोर्स दोनों लगते हैं। ऐसे ही बार मैग्नेट को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो केवल टॉर्क लगेगा, नेट फोर्स कैंसिल हो जाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स और टॉर्क दोनों लगेंगे। तो स्टार करके लिखेंगे, व्हेन बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन टॉर्क एंड फोर्स बोथ एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर रखोगे तो टॉर्क एंड फोर्स दोनों ही लगेंगे। ठीक है, व्हेन बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड then only torque acting on it net force become zero। तो आपका क्या होता है कि अगर बार मैग्नेट को आप अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क एंड फोर्स दोनों लगते हैं, और अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो केवल टॉर्क लगता है, फोर्स क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि अगर बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। तो अगली हेडिंग आती है टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो कितना टॉर्क
लगेगा। ठीक है, तो लेट अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट एन एस ऑफ लेंथ 2L एंड पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इज प्लेस्ड इन, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b एट एन एंगल थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट ले लिया n s जिसकी लेंथ कितनी है 2L और पोल स्ट्रेंथ कितनी है स्मॉल m, उसको कहां पर रख दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में रख दिया, कितने एंगल पे थीटा एंगल पे। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से बनाते हैं, तो ये मैंने आपकी क्या बता दी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दी। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले ली बी, यहां पर आपकी बार मैग्नेट ली इस तरह से। ठीक है, इस बार मैग्नेट को यहां पर रख दिया एन एस। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ कितनी है स्मॉल एम। ठीक है, अच्छा ये जो होता है वो नो आपका कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल पे रख दिया। ठीक है, अब आपको इस पे लगने वाला टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पे कितना फोर्स लगेगा, एफ बराबर स्मॉल एम इंटू बी। ठीक है, इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन साउथ पोल, तो साउथ पोल पे उतना ही और अपोजिट फोर्स लगेगा, तो ये आपका एम बी हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। तो आपका एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम बी ही हो जाएगा। ड्यू टू विच टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, तो इस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एक फोर्स ये रहा, ये एक फोर्स ये रहा, इन दोनों की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो यहां से आ जाएगी, ये पॉइंट ले लिया ओ। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका टाउ बराबर एफ इंटू डी इन ए ट्राइंगल एन ओ एस, ये एन ओ एस, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, बार मैग्नेट बनाइए, एन पोल लिया, एस पोल लिया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो मैं इसको दोबारा से बना देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए डायग्राम क्या है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाई है, ठीक है, यहां पर आपकी मैंने क्या रख दी, बार मैग्नेट रख दी, ये आपका मिडिल पॉइंट हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल पे फोर्स इधर लगेगा एम बी, साउथ पोल पे फोर्स इधर लगेगा एम बी। ठीक है, ये इसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई, 2L हो गई। ठीक है, अब इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो यहां से हो जाएगा, तो ये आपका D हो जाएगा, ये अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये आपका डायग्राम है किसका, बार मैग्नेट का, किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ट्राइंगल ले लिया एन ओ एस, ये आपका ओ पॉइंट, एन ओ एस। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा क्या हो जाएगा, एन ओ अपॉन एन एस। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर एन ओ क्या है, डी, एन एस कितना है, टू एल। ठीक है, अब
ठीक है, डी बराबर 2l साइन थीटा, तो टाउ में वैल्यू रहा, तो टाउ बराबर f इंटू 2l साइन थीटा, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ f, f की वैल्यू रख दो, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा f की जगह m b इंटू 2l साइन थीटा, m इंटू 2l क्या होता है कैपिटल m, टाउ बराबर कैपिटल एम बी साइन थीटा। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते थे तो यहां पर क्या आता था पीई साइन थीटा और यहां पर क्या आ गया एम बी साइन थीटा। अब वेक्टर फॉर्म इधर लिख देता हूं, वेक्टर फॉर्म तो टाउ क्या है वेक्टर क्वांटिटी, टाउ वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मींस द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, अब केस भी इसका डिस्कस कर लेते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन बार मैग्नेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हेन बार मैग्नेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो आपका थीटा बराबर क्या हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा एम बी साइन 0, तो टाउ बराबर भी 0 हो जाएगा, यानी इस केस में मिनिमम टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? मिनिमम टॉर्क। ठीक है, केस सेकेंड, इफ बार मैग्नेट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा एम बी साइन 90, तो टाउ बराबर एम बी, ये आपका मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ये डेरिवेशन पूछा जाता है। तो ये डेरिवेशन बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क निकालते हो वैसे ही आपको क्या निकालना, मैग्नेटिक डाइपोल पर टॉर्क निकालना है। ठीक है, अगली हेडिंग अपन बात करते हैं, वर्क डन टू रोटेट बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे, वर्क डन टू रोटेट बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर बार मैग्नेट को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगली हेडिंग आपकी आ गई, वर्क डन टू रोटेट बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे, वर्क डन टू रोटेट बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अ बार मैग्नेट एन एस ऑफ लेंथ 2L इज प्लेस्ड, सॉरी 2L एंड पोल स्ट्रेंथ एम
इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एट एन एंगल थीटा। तो हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट ले लिया एन एस जिसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी है 2L है, पोल स्ट्रेंथ कितना है स्मॉल m है, उसको अपन कहां पर रखेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखेंगे कितने एंगल पे थीटा पर। तो ये आपका क्या हो गया, बार मैग्नेट ले लिया, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड ले ली, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या ले ली बी, ठीक है ये आपका बी हो गया। यहां पर आपने क्या रख दिया, एक बार मैग्नेट रख दिया एन एस, ठीक है जिसकी लेंथ इफेक्टिव लेंथ कितनी है 2L है, ठीक है कितने एंगल पे रखा थीटा पे, पोल स्ट्रेंथ कितनी है स्मॉल m, ठीक है। देन टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, टॉर्क के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं कि अगर बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, तो tau बराबर क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा, इतना टॉर्क लगेगा। नाउ बार मैग्नेट इज रोटेटेड बार स्मॉल एंगल डी थीटा, ठीक है देन वर्क डन। अगर बार मैग्नेट को डी थीटा पर रोटेट कर रहा है तो वर्क डन कितना होगा, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है टाउ इंटू डी थीटा, ठीक है तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा डी थीटा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, तो यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा डी डब्ल्यू, यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा एम बी साइन थीटा डी थीटा, यहां पर जीरो से डब्ल्यू तक करना और ये थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट करना है, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डब्ल्यू लिमिट जीरो से डब्ल्यू बराबर एम बी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा लिमिट थीटा वन से थीटा टू, ये हो जाएगा डब्ल्यू माइनस जीरो बराबर एम बी बाहर हो जाएगा, यहां पर होगा माइनस कॉस थीटा टू माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा वन, ठीक है अब इसको ऐसे ले सकते हैं डब्ल्यू बराबर एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, एक तो ये फॉर्मूला हो गया वर्क डन टू रोटेट बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है अब थीटा वन का मतलब थीटा वन की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, इफ थीटा वन बराबर जीरो एंड थीटा टू बराबर थीटा, मतलब जीरो से थीटा डिग्री तक घुमा रहे हैं, ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एम बी क्या हो जाएगा कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा एम बी वन माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाता है आपका वर्क डन टू रोटेट बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे ही हैं, बस अंतर ये आ रहा है कि P की जगह कैपिटल M आ रहा है, E की जगह कैपिटल B आ रहा है और चार्ज की जगह Q की जगह मतलब स्मॉल m आ रहा है और 1/4πε0 की जगह μ0/4π, तो सारे चेंज करने तो पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ वहां का और कुछ यहाँ का मिक्स कर दो, कई बार बच्चों को साथ देखा हुआ कि दोनों चीजों को क्या कर देते हैं मिक्स कर देते हैं, आधे डेरिवेशन में वो चीजें रहती हैं और आधे डेरिवेशन में ये चीजें रहती हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो बेझिझक आप कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो अपन बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं करना कि गड़बड़ी आप कर रहे हो आधा इधर आधा उधर, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है कोई भी दिक्कत आती कैसी भी दिक्कत आती बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, थैंक यू।